राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता का 24वां और 25वां अध्याय, जो है भस्म की महिमा और रुद्राक्ष का महात्म्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची बोले, हे ऋषियों, भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोता, स्मार्ट तथा लौकिक, ये तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रोता, स्मार्ट भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य सब वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र के द्वारा भस्म धारण करें तथा अन्य सब बिना मंत्र के धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण करने में श्रेष्ठ है। जावाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर शरीर में भस्म लगावें। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सभी प्रकार के पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर ही विधि से जप करें। जो निर्भय, अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो, वह भी भस्म रमाने से जिस स्थान में रहता है, वहाँ ही सब तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना श्रेयस्कर है। इनकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातनाएं भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुंड होकर के श्रद्धा, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैष्णदेव एवं पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। ज्ञान स्नान से सत्संग मिलता है, किंतु भस्म स्नान से समस्त शुद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुंड नहीं लगाता, उसके स्नान, ध्यान, जप, तप आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। वानप्रस्थी, अधीक्षित एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावे तो वे भी शिव भक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, मध्यावली अंगुली और उसके साथ वाली अनामिका एवं कनिष्ठा अंगुली के साथ वाली, इन दो अंगुलियों से भस्म लेकर के भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है, उसमें 3 लकीरों वाला त्रिपुंड मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथमा के आकार गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद क्रिया शक्ति एवं प्रायः सवन इत्यादि 9 है। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण अग्नि, आकाश तक यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य दिन, सवन एवं महेश्वर इत्यादि देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार आवानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामवेद, ज्ञान शक्ति, सायम, सवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे विप्रवृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्ति सहज ही प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंवा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नसिका के दोनों छिद्र, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कुहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघे, पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, दशो दिशाएं, दसों दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर के भस्म त्रिपुंड धारण करें, अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों कंधे, दोनों हाथों, दोनों कुहनियों, दोनों भुजदंड, नाभि, दोनों बगले एवं पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव भक्ति रुद्र, ईश, नारद, वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करते हुए त्रिपुंड लगावे, अथवा सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कुमारिका,
समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम का स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें, अथवा माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग आदि आठों अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणी का नाम लेकर भस्म धारण करें। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावे। सूची बोले, हे शौनक, रुद्राक्ष शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी महिमा तो सदा शिव ने स्वयं लोक के कल्याणार्थ श्री पार्वती जी को सुनाई है। सदा शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसी से गौण देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहाय पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य इसकी माला समस्त पापों का नाश करके मुक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, स्निग्ध, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों के द्वारा खाए गए तथा टूटे फूटे कांटों से रहित फलों से पूर्ण और चपटे ये 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करना योग्य नहीं होता। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो वह उत्तम है और जिनके छेद मनुष्य द्वारा बनाए गए हों वे मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 308 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6-6 रुद्राक्ष कानों में, 11-11 रुद्राक्ष दोनों कुहनियों में तथा इतने ही दोनों मणिबंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में, इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव रूप है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाले महात्मा मयपुर को नहीं जाते। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, ये प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है और इसके दर्शन एवं पूजन से नरहत्या तक का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थों का ये फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, ये सर्व कामनाएं पूर्ण करके मोक्ष प्रदान करता है। अभोगी स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पाप से भी मुक्ति प्रदान करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है, इसे दक्षिण हाथ में बांधे इससे ब्रह्म हत्यादि दोष निवृत्त होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं, इसके धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, इसके धारण से दीर्घायु प्राप्त होती है और मरने पर शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिला रूप है, इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा अम्बा देवी है। इसे वामांग में धारण करें तो समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसके धारण करने से सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है, इसे मस्तक पर धारण करें तो उसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देव है, इससे धारण करें तो मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र क्रमशः सुनाता हूँ। ओम रीम नमः, ओम नमः, क्लीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम रूम नमः, ओम हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम रम हूँ नमः, ओम रीम नमः, ओम हूँ नमः, ओम क्रोम छोरो नमः, ओम रीम नमः। ये मंत्र 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए है। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़े रहने के समान पाप होता है। हे मुनिगण,
यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ माँ पार्वती से कहा था। सूची कहते हैं, हे ऋषियों, उसे मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया। इस भस्म त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्रादि के सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। तो ये था 24वां और 25वां अध्याय। इसी के साथ विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण हो रही है। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे रुद्र संहिता। तब तक के लिए नमो नारायण।